नमस्कार दोस्तों, एसएससी फॉर फन में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड करेंगे, जो इक्वेशन को हमें ग्राफ पर कैसे करना है। एक पहला क्वेश्चन हो गया है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। पहले हमें पहला इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसे हमें y के फॉर्मेट में पहले कर लेना है, जैसा कि मैंने पहले बताया है। y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। इस फॉर्मेट पे हमें चार कंडीशंस बताने हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, y इज इक्वल टू 4। ये पहली कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन, इफ x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, y इज इक्वल टू 3। तीसरी कंडीशन, इफ x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू 2। और लास्ट कंडीशन देख लेंगे, इफ एक्स इज इक्वल टू 4, देन वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 4, वाई इज इक्वल टू 1। तो इसे हमें बॉक्स में लिख लेना है, 1 टू 4, 1 and 4। इफ 2 x 2 तो y 3, 2 and 3। इधर 3 2 3 and 2। द 4 द 1 4 and 2। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं दोस्तों। पहले y इज इक्वल टू के फॉर्म में कर लेते हैं। माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस का मल्टीपल करेंगे तो वाई इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस एक्स। ये हमारा वाई इज इक्वल टू फॉर्मूला बनता है। तो हम चार कंडीशन में देख लेते हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू 1, इफ एक्स इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस एक्स। y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1, y इज इक्वल टू, अभी प्लस माइनस आएगा तो बिगर में से स्मॉलर माइनस हो जाएगा और बिगर का साइन आएगा। 3 में से 1 गया तो 2 बचा और बिगर का साइन माइनस। तो ये फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरा, इफ x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस एक्स। y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2, y इज इक्वल टू प्लस माइनस फिर आ जाएगा तो बिगर में से स्मॉलर माइनस, 3 में से 2 गया तो 1 और बिगर का साइन माइनस। अब इफ x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 0। और एक कंडीशन लेना है, इफ x इज इक्वल टू 4 मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस एक्स। y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4, y इज इक्वल टू बिगर, अब प्लस माइनस आ गया तो बिगर में से स्मॉलर माइनस होगा, मतलब 4 में से 3 गया तो 1, और प्लस का साइन तो है। बॉक्स में लिख लेते हैं, एक्स 1 है तो ये माइनस 2 हो गया, 1 and -2। यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ माइनस 1 आता है, तो 2 and -1। इधर 3 है तो इधर 0 आता है, 3 and 0। इधर 4 है इधर 1 आता है, तो 4 and 1। अब इसको हमें ड्रॉ करना है ग्राफ में।
पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई का बॉक्स में एक्स इज इक्वल टू 1 है और वाई 4 है, मतलब यहाँ पे पॉइंट है 1 एंड 4। अब 2 एंड 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 2 एंड 3, तो 3 एंड 2, 3 एंड 2 यहाँ आता है, 3 एंड 2, एंड 4 एंड 1, 4 एंड 1, 4 एंड 1। तो यहाँ पे एक स्केल के द्वारा एक हम इसका नाम लिख देना है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब दूसरा दूसरा इक्वेशन, 1 एंड -2, 1 एंड -2 यहाँ आता है, 1 एंड -2, 2 एंड -1 यहाँ पे है, 2 एंड -1, 3 एंड 0, मतलब ये पॉइंट यहीं पे आएगा, और 4 एंड 1, 4 एंड 1 ये पॉइंट आता है। तो ये पॉइंट और ये, एक दो, इसके जाते हुए और इसे हम लिख देंगे x माइनस y इज इक्वल टू 3। तो हमारा दोनों पे कटिंग पॉइंट क्या आया, ये, मतलब इसका x 4 है और y 1 है, यही आंसर है। x y इज इक्वल टू 4 1, मीन्स x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1, दैट इज द आंसर। तो दोस्तों आज हमने जो है प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन किया। जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।